चाहती हूँ सम्राट, क्या सवाल करने के लिए चाहती हूँ पति परमेश्वर? आप तो खुद को जानते हैं कि इस राज में चार पन में तीन पन गुजर चुकी है, एक पन बाकी है, लेकिन अभी तक इस राज में एक संतान भी पैदा नहीं हुआ। राज में पुत्र कहलाता है स्वामीनाथ। इससे अच्छा मैं चाहती हूँ आप एक दूसरा शादी कर लीजिए, ताकि उसकी कोख में चाहे पुत्र पैदा हो चाहे पुत्री, तो मैं भी माँ कहलाऊंगी स्वामीनाथ। ठीक कहिए रानी जी, हम आते हैं ये दोस्तों में आकर तो कम से कम बड़ा दिए तो जो तुम तो पागल तो रहे हो रानी। भगवान मैं एक शादी करके इतना नहीं पछताया और दूसरी शादी के रूप में तू नहीं ले सकता है रानी। हाँ सम्राट, हो सके खुदा ने काश अगर हमारी छोटी बहन को अगर एक भी संतान हो जाएगी तो मैं भी माँ कहलाऊंगी सम्राट, मैं भी पुत्र भी कहलाऊंगी रानी। हाँ सम्राट, तो परमात्मा के विधि विधान का लिखाया होता है या पुत्र अनुपुत्र या परमात्मा देते ही या दूसरा साधन मैं नहीं करूंगा। तेरे सम्राट जिस
जिसकी गले में बरमला डाल देगी वही उसका पति होगा सांगनाथ। तो ठीक है, मैं इस सभा में जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप जाइए विक्रम कुसार, तब तक मैं जाता हूँ छोटी बहन के लिए। मैं लाल प्यार से तोहर भरता जाके रखूंगी सांगनाथ। मैं जा रहा हूँ विक्रमपुर साहब। विक्रमपुर साहब
से जैत गए। अरे हाँ, आज राजा विक्रम सिंह का जब पुत्र का है समय है ना, हाँ उसी समय में मैं जा रहा हूँ। तो पत्र मिलना है तो पत्र मुझे नहीं मिला है। क्या मिला है? बगैर पत्र वाला के देखे तो ईश्वर जो बचा जो पत्र वाला चाहिए। अरे भाई भूल गया कुछ उधर सुनो। कहिया धोते हुए गोल बाजार होते हुए चल रही हो गाँव हल्ला करे तो